Hey guys, welcome back to our channel My Food Kitchen. We are back with our new video. तो भाई साहब मेरे सामने देख सकते हो मधुरम सैंडविच. तो भाई आज अपन ट्राई करना है मधुरम सैंडविच यार, देखते हैं कि भाई कैसा टेस्ट है यहाँ पर. भीड़ आप देख सकते हो, भर भर के भीड़ है भाई. ये देखो ब्रेड के पैकेट्स देखो, भर भर के लगा रखे हैं. बाकी आपको मेकिंग दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है शॉप में, तो शायद पॉसिबल ना हो. जितना हो पाएगा उतना दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे. तो यार वीडियो को लाइक कर देना. आज और वीडियो स्टार्ट करते हैं. ऑनलाइन पेमेंट किसने किया सर? ऑनलाइन पेमेंट ये लीजिए. जीरो कितने की है भैया? अरे भैया कितने की है? 25 की सर. 25 रुपए दे दो आप सर, एक मिनट दे रहा हूँ. तुम इस दो मिनट नहीं, दो मिनट करवा दूंगा बिना नंबर. क्या नंबर है आपका? आपका पार्सल है ना?
एक दो मिनट रुको, दो मिनट देखो अपना मधुरम सैंडविच का स्पेशल सैंडविच बनके तैयार हो गया। ये चेक करो, ये थोड़ा सा ये हमने खाया, भैया ने खाया, वो नहीं दिया था। तो यहाँ पे सैंडविच देखो यार, एकदम लोडेड है, कितनी सारी चीज़ डाल रखी है इसमें, सेव डाल रखी है और भाई पनीर भर भर के वेजीज हैं। बाकी अपने मेकिंग देखोगे, पूरा बल्क मेकिंग होती है यहाँ पे, पूरी मेकिंग शूट नहीं हो पाई क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा था शॉप में। बाकी हमने कटवट आपको करके दिखाया था। ये देखो भाई, तीन लेयर सैंडविच की है, अंदर पनीर डाल रखा है, बहुत सारी मेयोनीज वगैरह डाल रखी है। इसको खोल के दिखाते हैं भाई, पर खाने में हाथ पूरा मैसी हो जाएगा इसको भाई। लुक एट दिस, क्या बढ़िया लग रहा है। तो टेस्ट करके देखते हैं कि भाई क्या मतलब इतनी भीड़ किस बात की है। यार टेस्ट तो है सैंडविच में, और सैंडविच इतना हैवी है ना, दो बंदे आराम से खा लेंगे इसको भाई। एक हर चीज़ का फ्लेवर आएगा आपको इसके अंदर, सब्जियों का आएगा, पनीर का आएगा, सेफ का आएगा, पूरा चीज़ जो डाल रखा है भाई, मतलब एक नंबर सैंडविच यार, मज़ा आ गया खा के। 150 rupees इसका प्राइस है। बाकी यार दो बंदों के लिए मोर देन इनफ सैंडविच चाहिए। बाकी यार टेस्ट लग रहा है, एक और बाइट लेते हैं इसकी। मेरे को तो पर्सनली बहुत बढ़िया लगा इनका सैंडविच, टेस्ट है भाई। तभी इतनी भीड़ है, भीड़ देखो, उज्ज्वल भाई भीड़ दिखाएंगे। आंटी भी कर रही है वो जल्दी से सैंडविच खाके। अच्छा था लाइक था, मतलब इतना ये नहीं है कि हम चीज चीज खा के तो लग रहे हैं ना, तो मतलब ठीक था, मतलब ये नहीं लगा कि ज्यादा चीज ही हो। ये ऑनेस्ट रिव्यू है बिल्कुल। हमने पिज्जा को पिज्जा कह रहा हूं सैंडविच खत्म कर दिया है, देख लो भाई पूरा हाथ एकदम साफ है। सामने दुकान है भाई, पूरा अभी सैंडविच खाया भाई, सैंडविच खा के बिल्कुल भी हैवी नहीं लग रहा, मज़ा आ गया खा के, मतलब पेट एकदम नॉर्मल सा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत जलन हो रही हो या बहुत हैवी हो गया हो। बढ़िया था सैंडविच, तीन बंदे आराम से खा लेंगे, दो में भी हमारी हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि हमने पहले से खा रखा था। पूरा ऑनेस्ट रिव्यू है ये, और ये खाने के बाद शूट कर रहा हूँ इंट्रो, वीडियो ख़त्म भी कर दिया था मैंने, उसके बाद दोबारा शूट कर रहा हूँ क्योंकि सही में बहुत बढ़िया था। ऊपर तो पनीर डाल रखा था मैंने, जल्दी से चीज़ बोल दिया। सीताराम सीताराम सर, कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया सर, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया भैया। भैया क्या क्या मिलता है अपने मधुरम सैंडविच पे? सिर्फ एक ही सैंडविच मिलता है, एक ही प्रकार का है जी जी। क्या रहता है प्राइस? 150 rupees 150 rupees 8 से 10 सालों से एक ही प्राइस है सर हमारा। और लोकेशन क्या रहेगा इसका शॉप का? लोकेशन 2 हुकमचंद मार्ग अपोजिट कांच मंदिर, सामने कांच मंदिर है, उसके सामने गिरोटिया ब्रदर सब भाई है, आयुष गिरोटिया और वैभव गिरोटिया, हम दोनों शॉप पर मिलेंगे। एक ही दुकान है इंडिया में और इंदौर में हमारा, कोई ब्रांच नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है सर, और कोई प्लान भी नहीं है। तो भैया एक बात बताओ, जैसे कि मतलब आप तो काफी फेमस हो गए हो, तो आपका आशीर्वाद है। तो ये ब्लॉगर्स के लिए क्या कहना चाहोगे आप? देखिए सर, फूड ब्लॉगर्स के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी ठेले वाले का, किसी छोटे मोटे दुकानदार का एक वीडियो बना करके डाल देता है, सपोज भगवान की कृपा से उसकी क्वालिटी में दम होना हो, वो वीडियो वायरल हो जाता है, जिससे कि उसका आजीविका चल जाती है, 100 रुपये कमा रहा था आज वो 1000 रुपये कमा रहा है, उसके बच्चे अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर लेते हैं, उसमें बुरा ही क्या है। लेकिन लोगों को न जाने क्यों चाहे ना, साला अभी किसी नेताजी का वीडियो बना के डाल दोगे तो आपको कोई फूड ब्लॉगर को गाली पत्ती बताए, वहाँ तो भैया जी जिंदाबाद करोगे। और यहाँ पे साला किसी गरीब का डाल दिया तो उसमें आप जो फूड ब्लॉगर्स वगैरह, आप उनका जीवन भी जी के देख लो, क्या हमसे तो 500 रुपये लेते हैं, आते सैंडविच का पैसा भी देके जाते हैं, और होली दिवाली त्यौहार सब अपने शहर से बाहर बनाते हैं। तो सर ठीक है, सीधी सी बात है भाई, आपका तो कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं ना, आपकी दुकान पर आज आपको सारे ग्राहक नहीं मिल रहे हैं।
सर टूरिस्ट भी पड़ता है सर, टूरिस्ट भी पड़ता है सर, मतलब कि आजकल ज्यादा ट्रॉल कर रहे हैं ना ब्लॉगर्स को, मतलब कांच मंदिर है, दूर दूर से लोग बाबा महाकाल का दर्शन करने उज्जैन की नगरी में आते हैं और वहां से बहुत खुशी होती है जब बोलते हैं भैया 55 किलोमीटर सिर्फ मैप पे वो लोकेशन लगा के आपके लिए आए इंदौर, बहुत खुशी होती है सर। टोल तो क्या है ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप क्या छोटे पानी पताशे वाले का छोटे दुकानदार का वीडियो बना के उसको फेमस कर रहे हैं या उसकी आजीविका में सुधार ला रहे हैं, उसके बच्चों का जीवन अच्छा हो जाएगा, आप तो आपको टोल करेंगे, गालियाँ मिलेगी, संभव है लोग ऐसे ही बैठे, लेकिन आप किसी नेताजी का डाल दो तो भैया जी जिंदाबाद लिख के आएगा उसको, और हो सकता है आपको फॉर्च्यूनर मिल जाएगी। फॉर्च्यूनर तो चलो ठीक है भैया, थैंक यू। क्या दे पाएगा, सैंडविच दे देगा बेचारा, उसका भी आप पैसे दे देते हो यार, इतना तो मत करो। ठीक है भैया।